हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड और आज इसका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, ड्रॉ अ पैराबोला ऑफ बेस 90 mm एंड हाइट 50 mm बाय टेंजेंट मेथड, ऑल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और इसके थ्रू हमें एक पैराबोला ड्रॉ करना है बाय टेंजेंट मेथड। वैसे पैराबोला ड्रॉ करने के लिए 3 मेथड्स यूज होते हैं। पहला है पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड, इट मींस बाय ऑब्लॉन्ग मेथड। दूसरा है पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड और तीसरा है पैराबोला बाय डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड। इसके पहले ऑलरेडी हमने पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लिए थे, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं, उससे आपका पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज से हम पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड के प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके आने वाले दिनों में हम पैराबोला बाय डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड भी कवर करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन का अगर हमें सॉल्यूशन ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि पैराबोला का बेस और हाइट क्या दिया है, पैराबोला किस टाइप का कर्व होता है। देखो, एक बार बता देते हैं। देखो, पैराबोला जो है वो इस टाइप का कर्व रहता है, उसमें बेस इस टाइप का रहेगा और ये जो कर्व है ये पैराबोलिक कर्व होता है। ठीक है, तो ये बेस होता है, ठीक है, ये रहेगा बेस जो क्वेश्चन में दिया होता है जनरली, और ये रहेगा हाइट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। और ये पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हमने आपको 3 मेथड जो है वो बताए थे। तो ये है हाइट, तो क्वेश्चन में यहां पे बेस दिया है दैट इज 90 mm का और हाइट दिया है दैट इज 50 mm का, और ये पैराबोला हमें ड्रॉ करना है बाय टेंजेंट मेथड। तो चलो हम सबसे पहले बेस और हाइट यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले यहां पे बेस लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये बेस लाइन को हम नाम दे देंगे, दैट इज बेस ए बी। ठीक है, ये हमने 90 mm का यहां पे ड्रॉ किया है और अब क्या करेंगे, हम हाइट शो करेंगे। लेकिन हाइट के लिए आपको ये बेस का मिड पॉइंट पहले ले लेना है। तो ये देखिए, ये 90 mm का मिड पॉइंट जो कि 45 mm पे होगा, तो वो हम यहां पे ले लेंगे। तो ये हमने यहां मिड पॉइंट ले लिए और अब आपको क्या करना है, ये मिड पॉइंट पे प्रोटेक्टर पुट करके यहां पे 90 डिग्री का एंगल पहले ले लेना है। देखो, हमने प्रोटेक्टर लिया है तो यहां पे हम प्रोटेक्टर रखेंगे और यहां 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे। तो हमने 90 डिग्री का एंगल ले लिए और ये 90 डिग्री के एंगल पे हम क्या करेंगे, हाइट शो करेंगे। हाइट कितना दिया है, दैट इज 50 mm का हाइट दिया है। तो चलो, वो हाइट जो है वो यहां हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए, ये हमने हाइट यहां पे ले लिया है 50 mm का। यहां पे हमने डायमेंशंस भी लिख लिया है, बेस दैट इज 90 mm और हाइट दैट इज 50 mm। और यहां पे जो हाइट पे पॉइंट है, ये पॉइंट को हमने नाम दिया है पॉइंट सी। और अब हमें आगे का कंस्ट्रक्शन करना है। बेस और हाइट के बाद अब हमें क्या करना है, यहां पे हमें अगर पैराबोला टेंजेंट मेथड से ड्रॉ करना है तो हमें हाइट को डबल करना पड़ता है। देखो क्या कहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट मेथड की यही एक स्पेशलिटी है कि टेंजेंट मेथड से जब कभी भी आप पैराबोला ड्रॉ करेंगे तो जो भी पैराबोला की पर्टिकुलर हाइट दी है उसको डबल करके आपको पैराबोला के लिए कंस्ट्रक्शन करना होता है। ठीक है, यहां पे हाइट कितना है, यहां पे हाइट 50 mm है, तो चलो यहां पे इसको डबल कर लेंगे। तो 50 mm का डबल हो जाएगा 100 mm, इसका मतलब यहां से हम और 50 mm ऊपर ले लेंगे। ये सिर्फ टेंजेंट मेथड में ही है, जबकि इसके पहले हमने जो रेक्टेंगुलर मेथड लिए थे उसमें ऐसा नहीं है। रेक्टेंगुलर मेथड में जो भी पैराबोला का बेस और हाइट दिया होता है उसका यूज करके एक रेक्टेंगल क्रिएट करना होता है और फिर वो रेक्टेंगल के अंदर में हमें कंस्ट्रक्शन करके हमें पैराबोला के पॉइंट्स निकाल के पैराबोला ड्रॉ करना होता है। ठीक है, वो रेक्टेंगुलर मेथड था, इट मींस ऑब्लॉन्ग मेथड था, लेकिन टेंजेंट मेथड में हाइट को डबल करना पड़ता है ताकि जो इसकी लाइंस है वो जो है वो पैराबोला के ऊपर एग्जैक्टली टेंजेंट आ जाए। लेकिन आप कहेंगे ये कैसे समझ में आएगा एग्जाम में कि पैराबोला टेंजेंट मेथड से ड्रॉ करना है या रेक्टेंगुलर मेथड से। एग्जाम में जब कभी भी पैराबोला का कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में जनरली ये मेथड का नाम लिखा नहीं होता है। क्वेश्चन में अगर मेथड का नाम लिखा है तो फिर आपको उसी मेथड से ड्रॉ करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं लिखा है कि पैराबोला कौन से मेथड से ड्रॉ करना है, ये अगर नहीं लिखा है तो फिर ये आपको डिसाइड करना है कि पैराबोला टेंजेंट मेथड से ड्रॉ करना है या रेक्टेंगुलर मेथड से ड्रॉ करना है। फिर आप कहेंगे कि ये कैसे समझ में आएगा, तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। देखो, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ये आपको कैसे पहचानना है कि आपको टेंजेंट मेथड से ड्रॉ करना है या रेक्टेंगुलर मेथड से। तो उसका ट्रिक ये है कि अगर जो गिवन क्वेश्चन है उसमें अगर पैराबोला का हाइट अगर कम दिया है, हाइट अगर कम दिया है तो आप टेंजेंट मेथड का यूज करो, और अगर हाइट ज्यादा दिया है तो आप रेक्टेंगुलर मेथड का यूज करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टूडेंट को पता है वो कोई भी प्रॉब्लम में कंफ्यूज नहीं होगा कि रेक्टेंगुलर मेथड से ड्रॉ करना या टेंजेंट मेथड से। क्या कहा, फिर से सुनो, अगर पैराबोला की हाइट अगर कम दी है तो आप टेंजेंट मेथड का यूज करो, और अगर हाइट ज्यादा दी है तो आप रेक्टेंगुलर मेथड का यूज करो। ऐसा हम क्यों कर रहे, ऐसा इसलिए कह रहे क्योंकि टेंजेंट मेथड में हाइट को डबल करना पड़ता है। अगर हाइट कम दी है तो डबल करने के बाद आपका ज्यादा जो है ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हाइट पहले ही अगर ज्यादा दी है और उसमें अगर आप टेंजेंट मेथड अप्लाई करेंगे तो वो हाइट को फिर डबल करना पड़ेगा, तो जो आपके ड्राइंग बुक में जो कंस्ट्रक्शन है वो डबल हो जाएगा और आपके ड्राइंग बुक में वो
पैराबोला जो है वो बुक के बाहर भी जा सकता है, ऐसे में आपको कंस्ट्रक्शन में टाइम लगेगा और काफी दिक्कत जाएंगी। इसीलिए अगर हाइट कम दी है तो ही आप टेंजेंट मेथड का यूज करो, ठीक है, समझ गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना चाहिए, ये नोट पॉइंट है, ओके। तो यहां पे अब हम टेंजेंट मेथड का यूज करेंगे, तो जैसा हमने कहा हमें यहां पे हाइट को डबल करना है, तो चलो ये हाइट को डबल कर लेते हैं। तो यहां से पॉइंट सी से और हम 50 mm ऊपर ले लेंगे एक पॉइंट। तो ये देखिए ये हमने हाइट को डबल कर लिया है, अब ये हाइट हो चुका है टोटल 100 mm। देखो यहां से लेके यहां तक टोटल 100 mm है और ऊपर जो पॉइंट है उसको हमने नाम दिया है पॉइंट ओ। लेकिन 100 mm यहां पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो गिवन क्वेश्चन में पैराबोला की हाइट दी है वही आपको यहां मेंशन करना है, ठीक है। जो पैराबोला है वो पॉइंट सी से ही पास होगा, आपका मन में आएगा कि हमने हाइट डबल की है इसका मतलब पैराबोला का जो कर्व है वो ओ पॉइंट से पास होगा, ऐसा नहीं है। जो आप पैराबोला ड्रॉ करोगे, जो आपको पैराबोला मिलने वाला है वो ए से स्टार्ट होगा और वो सी से पास होते हुए बी तक जाएगा, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब ये जो पॉइंट ओ है ओ से ए और ओ से बी यहां पे जॉइन करना है और एक ट्रायंगल यहां पे तैयार करना है। तो ये देखिए ये हमने पॉइंट ओ से ए और बी ऐसा ज्वाइन कर लिया है और ये एक बड़ा एक ट्रायंगल आपको मिला है, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें ओ ए का लेंथ और ओ बी का लेंथ बिल्कुल सेम होगा। तो जब आप इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो ओ ए और ओ बी का लेंथ कितना आएगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। ओ ए और ओ बी का लेंथ आएगा दैट इज 11 cm, इट मीन्स 110 mm, ठीक है। तो जब आप ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो ओ ए का, चलो यहां पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओ ए का लेंथ या फिर बोलो ओ बी का लेंथ, ये दोनों सेम आएगा और वो आएगा दैट इज 110 mm, ये लेंथ आएगा, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, ये जो लेंथ है इसको आपको डिवाइड करना है, इसका मतलब ये OA और ये OB को हमें डिवाइड करना है। अब ये कितने पार्ट में डिवाइड करना है वो सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको OA और OB को मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्या कहा, मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट्स, इसका मतलब जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स में OA और OB को डिवाइड करो, जितना हो सके उतने ज्यादा पार्ट्स में, ठीक है। क्योंकि आप जितने ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करोगे उतना अच्छा पैराबोला बनेगा और आप जितने कम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतना खराब पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि डिवाइड करने पर। अब ये 11 सेंटीमीटर है तो 11 सेंटीमीटर को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो 11 सेंटीमीटर को हम मैक्सिमम यहां पे 22 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको 11 सेंटीमीटर को मैक्सिमम 22 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हर एक पार्ट 5 mm का आएगा, इसका मतलब हाफ सेंटीमीटर का आएगा, ठीक है। तो चलो हम एक काम करेंगे, इसको हम यहां पे 22 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे 22 पार्ट्स में। तो ये हमने स्केल ले लिया है और स्केल हम OA और OB के ऊपर रखेंगे और यहां पे 5 mm के टोटल 22 पार्ट्स लेंगे। तो ये देखिए हमने OA और OB के ऊपर 22 पार्ट्स ले लिए हैं और अब यहां पे हमें नेमिंग देना है, लेकिन नेमिंग आपको कैसे देना है वो समझ लो। नेमिंग आपको एक साइड में नीचे से ऊपर देना है तो दूसरे साइड में ऊपर से नीचे देना है, ठीक है। कौन से साइड से स्टार्ट करना ये पूरा चॉइस आपका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो हम एक काम करते हैं, यहां पर OA के ऊपर हम नीचे से ऊपर देंगे और OB के ऊपर हम ऊपर से नीचे देंगे, ठीक है। तो ये हम यहां पर लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे अप टू 22 और यहां से भी हम नीचे जाएंगे। तो ये देखिए सभी पार्ट्स को हमने नंबर दे दिए हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 अप टू ये देखो 19, 20, 21 और ऊपर का 22। उसी तरह से यहां पे फिर उल्टा गए 1, 2, 3, 4 यहां पे फिर 19, 20, 21 और लास्ट में 22। इस तरह से हमने ये नेमिंग दिए हैं। आप चाहे तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक साइड में नीचे से ऊपर तो दूसरे साइड में ऊपर से नीचे देना है, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट्स में डिवाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रेक्टेंगुलर मेथड और टेंजेंट मेथड में ये एक डिफरेंस है, रेक्टेंगुलर मेथड में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ड्रॉ करने में, सॉल्यूशन ड्रॉ करने में कम समय लगता है क्योंकि उसमें जस्ट एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना होता है। लेकिन टेंजेंट मेथड में ड्रॉ करने में समय लगता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट्स में डिवाइड करने में समय लगता है और अब जो हम टेंजेंट लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे उसमें भी समय लगेगा। इसलिए हमने कहा था हाइट अगर कम है तो ही आप टेंजेंट मेथड फॉलो करो, अगर हाइट ज्यादा है तो आप टेंजेंट मेथड फॉलो मत करो, क्योंकि अगर हाइट ज्यादा है तो फिर आपको उसको डबल करना पड़ेगा। तो सोचो कि डबल करने के बाद जब आप उसके थ्रू एक ट्रायंगल बनाओगे तो वो ट्रायंगल के जो साइड्स रहेंगे OA और OB, उसको आप जब मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो कितने सारे पार्ट्स होंगे, क्योंकि हाइट ज्यादा होने की वजह से ट्रायंगल की साइड्स भी जो है वो काफी लंबी रहेंगी, तो उसको ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होता है, उसमें आपको समय लगेगा पैराबोला ड्रॉ करने में। इसीलिए
ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो इतना तो हमने कर लिए, अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको सीधा सीधा स्केल और पेंसिल का यूज करना है। और क्या करना है देखिए, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा सीधा स्केल से ये वन वन ज्वाइन करना है, ठीक है। ये हम स्केल ले लेंगे और ये क्या करेंगे, वन से वन ऐसा ज्वाइन कर लेंगे सीधा सीधा, ठीक है, वन वन। देन हम ये टू टू ज्वाइन करेंगे, देन ये थ्री थ्री ज्वाइन करेंगे, देन ये फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, सेवन सेवन, ऐसा आपको चलना है अप टू 21 तक। इस तरह से ये आपको पूरा करना है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसा हमने कहा था, हमने 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसा हमने पूरा 21 तक यहां पे लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं, और इसके थ्रू यहां पे अपने आप ही एक पैराबोला बन गया है। देखो ये अपने आप ही एक पैराबोला जो है वो बन चुका है। इसके पहले हमने रेक्टेंगुलर मेथड में पहले हमने क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मार्क किए थे, देन आफ्टर हमने सभी को ज्वाइन किए थे। ज्वाइन करने के लिए या तो हमने फ्री हैंड ज्वाइन किए थे या तो फ्रेंच कर्व का यूज किए थे, लेकिन यहां पे फ्री हैंड या फ्रेंच कर्व ऐसा कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। यहां पे ये सभी लाइंस को ज्वाइन करने के बाद अपने आप ही यहां पे बोला बनता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा नहीं बना है फिलहाल, क्योंकि ये इतने बड़े बोर्ड के लिए जो है ये प्रॉपरली इतना लंबा जो स्केल वगैरह है वो प्रॉपरली यहां आया नहीं है, लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो काफी अच्छा कर्व बनेगा, ठीक है। तो ये ड्रॉ होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पे टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट और नॉर्मल कहां पे ड्रॉ करना है, चलो एक पॉइंट हम यहां कहीं पे भी ले लेंगे, ठीक है। तो चलो ये देखिए, ये हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट पी। ये पॉइंट पे हम यहां पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ होता है जरा ध्यान से देखिए, टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना काफी सिंपल है। तो टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए ये क्या करो, पॉइंट पी से, पॉइंट पी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू द बेस। बेस को देखो, ये जो बेस लाइन है, बेस को एग्जैक्टली पैरेलल यहां पॉइंट पी से एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिए पैरेलल टू द बेस, ठीक है। और ये पॉइंट पी से जो लाइन ड्रॉ किए हैं, ये हाइट के ऊपर यहां पे कट गया, देखो यहां पे कटा। तो जहां पे कटा वो जो पॉइंट है, हम इसको कहेंगे पॉइंट, दैट इज पी डैश, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट पी डैश है, ये सी से, देखो जो ये पॉइंट सी है, ये सी से जितना नीचे है उतना ही ये पॉइंट ऊपर मार्क करो, ठीक है। और ये मार्क करने के लिए आपको क्या करना है, कंपास का यूज करना है। तो ये हमने कंपास ले लिए, और कंपास में आपको क्या करना है, सी से पी डैश का लेंथ ले लेना है। तो ये देखिए, हमने सी से पी डैश का लेंथ यहां पे ले लिए, और ये जितना पॉइंट पी डैश नीचे है उतना ही इसी हाइट पे, ठीक है, सी से ऊपर जो है आपको मार्क करना है, वही पॉइंट जितना नीचे था उतना ये पॉइंट ऊपर मार्क करना है। तो ये हमने पॉइंट ऊपर भी मार्क कर लिया है, ठीक है। जहां पे पॉइंट मार्क किए हैं वो पॉइंट को हम नाम दे देंगे, दैट इज पी वन डैश। ये पी डैश है तो ये हो जाएगा पी वन डैश। यहां पे हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं ताकि यहां पे हम नेमिंग दे सके, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे रब करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, हम इसको नाम दे रहे हैं, दैट इज पी वन डैश, ठीक है। और अब क्या करना है, ये पी वन डैश और ये जो पी है इसको हम ज्वाइन करेंगे। पी वन डैश और पी को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वही हो जाएगा टेंजेंट। तो ये देखिए, ये हमने टेंजेंट यहां पे ड्रॉ कर लिया है, लेकिन सॉल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमें नॉर्मल भी ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, तो क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे। प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो आपको यहां पॉइंट पी पे रखना है, और प्रोटेक्टर का जो जीरो डिग्री है वो आपको ये टेंजेंट के ऊपर सेट करना है, और यहां पर 90 डिग्री का एंगल ले लेना है, ठीक है। तो ये देखिए, प्रोटेक्टर का सेंटर हम यहां पे पॉइंट पी पे रख रहे हैं, प्रोटेक्टर का जीरो डिग्री टेंजेंट के ऊपर सेट किए, और ये हमने 90 डिग्री का एंगल यहां पे ले लिए, और ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसी पे हमें क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, हमने यहां पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है, हमने टेंजेंट के ऊपर लिख लिया है टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर लिख लिया है नॉर्मल। ये टेंजेंट और नॉर्मल आपको डार्क पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है, और ये जो टेंजेंट है हमने यहां पे इसको एरो भी दे दिया है। एरो देना कंपलसरी नहीं है, अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर एरो देने के लिए कह रहे हैं तो आपको एग्जाम में भी एरो शो करना है, नहीं तो आप एक सिंपल ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल जरूर लिखना और उसको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना, ठीक है। वैसे यहां पर अभी ये लाइन्स और ये जो टेंजेंट है ये आपको मिक्स दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करोगे तो जैसा हमने कहा था कि ये जो 1 1 2 2 3 3 4 4 जो हमने लाइंस ड्रॉ किए थे ये आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है, और उसके ऊपर जब आप ये टेंजेंट डार्क पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल क्लियर आपको वो दिखाई देगा, ओके।
तो ये हमने फाइनली सॉल्यूशन ड्रॉ कर लिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था पैराबोला और ये हमने टेंजेंट मेथड से ड्रॉ किया है। और जैसा हमने कहा था कि पैराबोला पॉइंट सी से पास होगा, तो ये देखिए ये पैराबोला ए से स्टार्ट होकर ये पॉइंट सी से पास होते हुए बी तक जा रहा है और ये हमने पॉइंट सी का जो हाइट है वो भी हमने यहां लिख लिया है और ये बेस है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपने ड्रॉइंग बुक में भी ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये था पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड, ये टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।